वेलकम बैक इन CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। मैं हूं राहुल कुमार, जो कि आप लोग के लिए लाता हूं बेस्ट एजुकेशनल एंड स्टडी टिप्स। तो आज हम बात करने वाले हैं CBSE 10th एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 26, जो मैप वाला था। मैं इसमें आपको मैप के साथ, बिल्कुल इंडियन मैप के साथ, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कहाँ पर टेक डाउट करना था। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। बोथ हिंदी और इंग्लिश में मैं बताने जा रहा हूँ, और इसके साथ ही मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन का लिंक जो है, मैंने फुल पेपर का भी सॉल्यूशन किया है बोथ हिंदी और इंग्लिश अलग अलग वीडियोज़ में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आज से 3 दिनों तक, मतलब 27 तारीख तक, मैथ्स में पूछे जाने वाले कुछ विशेष टॉपिक्स और कुछ विशेष क्वेश्चंस पे बात करने वाला हूं। तो उन वीडियोस को भी पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बने रहें अंत तक। चलिए आइए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन था, ए और बी भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में अंकित किए गए हैं। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उनके सही नाम उनके निकट खींची गई रेखाओं पर लिखिए। तो ये देखिए, मैप्स आपका दिया हुआ था वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह स्थान, और आपका अंकित था क्वेश्चन में, अंकित होगा शायद यहाँ पे, तो वह स्थान मुंबई है। ओके, तो इसका आंसर जो है, जो मुंबई होता है, इंग्लिश में भी आप अगर क्वेश्चन देखें, द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड, तो यहाँ पे मुंबई होगा और यहाँ पे आपका दिया गया होगा मे बी ए, तो यहाँ पे मुंबई आपको लिखना था हमारे इंडियन मैप में, वहाँ पे हमको मुंबई लिखना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सूती मिल मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह किया। देखिए, सत्याग्रह बहुत जगहों पर हुआ था, उसमें एक चंपारण भी था, बट सूती मिल मजदूरों के पक्ष में जहाँ सत्याग्रह किया था वो अहमदाबाद है, अहमदाबाद यानी गुजरात। ये हमारा पॉइंट यहाँ पे अंकित होगा आपका, और आपको यहाँ पे इसका लिखना था, वन सेकेंड, यहाँ आपको यहाँ पे लिखना था गुजरात में, गुजरात वाले स्टेट में, जहां पे भी आपका बी ऑप्शन होगा वहां पे आपको लिखना था अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो हुआ है कि राजा सासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ये कहाँ है, तो ये है अमृतसर में, ये अमृतसर में है, और ये ऐसे ही लिखा गया था, ये अमृतसर में है। और आइए अब हम अमृतसर का, इसमें तो था कि पूरा आपको लोकेशन लिख के और आपको टिकट आउट करना है, तो आइए देखते हैं कि कहाँ पे इसका लोकेशन बनना था। ये पूरा इंडियन मैप है, तो यहाँ सबसे पहले हम खोजते हैं कि अमृतसर जो उसका आंसर बनना था, अमृतसर, अमृतसर कहाँ है, तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है पंजाब, और तो यहाँ पे हमारा टिकट आउट होता अमृतसर, क्योंकि जो हमारा पूछ रहा है राजा सासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो अमृतसर में है, तो यहाँ पे आपका साइन लगता, और जो भी साइन करने कह रहा था वो अगर आपने ऐसा किया है तो यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था भद्रावती लोहा एवं इस्पात संयंत्र, इंग्लिश में भी आ जाते हैं भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट, तो ये कर्नाटका में था। अब आइए देखते हैं कि कहाँ टिकट आउट होता हमारे मैप में। तो ये पूरा आपको मैप दिख रहा है, और अब पता करना है कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटक में ही है, तो यहाँ पे देखिए हमारे इंडियन मैप में कर्नाटक यहाँ आता है निचले भाग में यहाँ पे, तो इसको आपको टिकट आउट करना था, उसमें जो मेन जगह आती है उसको आपको टिक आउट करना था। अगर आपने ऐसा किया है, थोड़ा आगे पीछे भी हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने इतना किया है देन यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो हमारा है वेस्ट बंगाल, हमको मैप पे खोजना नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल प्लेन होगा, तो आपको वहाँ पे टेक आउट करना था, तो कहाँ पश्चिम बंगाल, तो ये रहा यहाँ पश्चिम बंगाल कोलकाता, तो यहाँ पे आपको, आपने इस एरिया में अगर टेक आउट किया है देन यू विल गेट द मार्क्स। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो, और फुल सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप फुल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं राहुल कुमार CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट, और हमारे चैनल पे आके भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स इट, मिलते हैं आज ही मैथ्स के कुछ विशेष टॉपिक्स के साथ इसी चैनल पर।